पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आखिरकार भाजपा में शामिल हो ही गए। वो अलग बात है कि यहाँ बिहार में उनका स्वागत में भाजपा का कोई बड़ा नेता एयरपोर्ट पर दिखाई नहीं दिया। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश को थका हुआ और दिन काटने वाला यानी कि दिनकटुआ नेता बता दिया। बीजेपी ज्वाइन करते ही वे हाजीपुर से सटे सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे थे। पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार पहुंचे आरसीपी सिंह ने पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद मंदिर का रुख किया और पहुंच गए सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में मत्था टेकने। मंदिर में पूजा के बाद आरसीपी सिंह ने अपने आने वाले दिनों की मुहिम की एक झलक दिखा दी। उन्होंने बता दिया कि आने वाले दिनों में वे नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आरसीपी सिंह ने जदयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताया और कहा कि 2005 में नीतीश के अंदर जो ऊर्जा दिखती थी वो आज उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम पर देश के अलग अलग नेताओं से नीतीश की मुलाकात पर आरसीपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस बिहार की जनता ने नीतीश को नेता बनाया, नीतीश बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। नीतीश को बिहार के लोगों के लिए काम करना था, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को छोड़ देश घूम रहे हैं। आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और उन्हें काम करने में मन नहीं लगता है। नीतीश कुमार दिनकट्टू नेता साबित हो रहे हैं। लंबे बगावती तेवर के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह ने पहली बार बिहार पहुँचने के बाद नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। आरसीपी सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते दिख रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश को घेरने के अपने मिशन को पूरा करने की तैयारी में लौटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने सबसे करीबी और पुराने वफादार के इस बगावत से नीतीश कैसे निपटेंगे। पार्टी सत्ता ग्रहण करने के बाद मैं पटना में कार्यालय गया था और वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए कई सौ साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की। बहुत अच्छा दिन था और आज गुरुवार का भी दिन है। मैंने सोचा कि वहाँ से चला जाए और बाबा हरिहरनाथ के दर्शन कर लिया जाए। कर्नाटक में उनके बड़ा अच्छा पूछे, कर्नाटक में उन्होंने अपने 6 उम्मीदवार खड़ा किए थे जिनका आप नाम ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कितने वोट आए जी? 900 कुछ वोट। उत्साहित रहे, अब दूसरे की शादी में अपने अब्दुल्ला बेगाना हो रहा तो हम क्या करें। इधर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर बोलते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू कर्नाटक के नतीजे से ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना।